कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, जी मैम। आ रही है मेरी आवाज हाँ बेटा? जी, हाँ जी। बेटा, आप दोनों को हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। सर, आदाब मैम। अभी आप बता रहे थे ना, धनिया आंवला खसखस, तो क्या ये बड़ी उम्र वाले भी ले सकते हैं, चाहे कोई बीमारी ना हो, ताकि दिल और दिमाग ठीक रहे? और दूसरा सवाल जी। सर, आजकल जो गोंद आ रहा है आपके यहाँ से, वो बहुत नमी है उसमें, धूप भी नहीं निकल रही, और मुझे देना भी एक पेशेंट को जरूरी है, जिन गोंद मंगाया है प्रेगनेंसी के लिए, तो क्या हल्का सा माइक्रोवेव करके उसे गर्म कर लूं? उसकी तासीर तो खत्म नहीं होगी। बड़ा अच्छा और सवाल एक सर रिक्वेस्ट भी है, जी। आप अपनी पहली गजल यूट्यूब पे डालिएगा। पहरों मेरे पहलू में रहा कौन करेगा, अब अपनी नवाजों को कजा कौन करेगा, दुनिया से हमारा अब यकी उठ ही गया है, जब तूने नहीं की तो वफा कौन करेगा। सर ये यूट्यूब पे डाल लिएगा। जरूर जरूर। क्या बताइए सवाल? सवाल पहला था कि धनिया खसखस वाला जो नुस्खा है, क्या वो बड़े उम्र के लोग ले सकते हैं? हाँ, बल्कि लेना चाहिए। ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है, बहुत सुकून देने वाला है। अच्छा, दिमाग में ब्लॉकेज होने लगते हैं, दिमाग असंतुलित सा होने लगता है, दिमाग काबू में नहीं लगता, बहुत टेंशन होती है, ज़्यादा सोचते हैं, तो ये इतना सुकून देता है। एक तो 6-7 घंटे अच्छी नींद आती है बगैर किसी नशे के, वो फिर दिमाग में जो केमिकल्स बनते हैं सोच के, उन्हें नहीं बनने देता, जो गलत सोच के केमिकल्स बनते हैं, फिर मजबूत बनाता है शरीर को, भूख भूख लगाता है, खाना हजम करता है। नमक जैतून के पानी से अगर ले लिया जाए तो बहुत फायदा होता है, ज़रूर लिया करिए। दूसरा सवाल था कि गोंद को क्या माइक्रोवेव के अंदर हम ठीक कर सकते हैं, अगर नमी हो उसमें? हाँ, यूँ करें कि वो हीटर जो आ रहे हैं, मेरे पास भी हीटर चलता रहता है, गर्म हवा फेंकने वाला हीटर, तो उसके सामने रख दें, थोड़ी देर में वो सूख जाता है, आधा 1 घंटे में, तो फिर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी।